वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मासी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एस्पिरिन टेबलेट के बारे में, जिसे सब लोग कॉमन एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। तो यह ब्रेन के जरिए पैदा होने वाले केमिकल को ब्लॉक करता है, जिसमें मार्केट में कई सारे टेबलेट प्रेजेंट होती हैं, जिसमें 300 mg एक कॉमन है। यह ब्रेन से रिलीज होने वाले मैंने पैदा होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे स्टॉप करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को स्टॉप करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द, बुखार, सूजन की जो महसूस करते हैं वह बंद हो जाता है। जैसे ही हार्मोन ब्लॉक कर देगा, वैसे हमारी जो बॉडी के टेम्परेचर है तो नॉर्मल हो जाएगा और पेन हमें फील नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीमारी किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है एस्पिरिन टैबलेट का। तो अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, उसके बाद आपको अगर लीवर में डिजीज़ है, आपको रिदमिक फीवर आ रही है कैंसर डिजीज़ में, उसके बाद पेरिकार्डिटाइटिस डिजीज़ होती है, कवासाकी डिजीज़ और दिल के अटैक से भी टैबलेट बताती है। 75 mg की टैबलेट दी जाती है अगर आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर प्रॉब्लम होती है। अगर हम वहीं पे इसके IPSC के नाम करें तो इसका जो IPSC है तो 2-acetoxybenzoic एसिड है, जिसका फार्मूला है C9H8O4। अगर हमें इसके मास की बात की जाए तो 180.158 ग्राम। ठीक है, अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 135 डिग्री सेल्सियस, और वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाए एस्पिरिन टेबलेट का pH क्या होता है, तो इसका pH 3.5 से लेके 6.5 इसके बीच में होता है। तो मिनिमम pH 3.5 और मैक्सिमम pH 6.5 बताया गया है एस्पिरिन टेबलेट का। अगर हम बात करते हैं कि इस टेबलेट को कब क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इस टेबलेट को लेने के बाद, ओवरडोज लेने के बाद स्टमक में ब्लीडिंग होने लगती है, उसके बाद हमारे लीवर में जो छाले पड़ जाते हैं, स्टमक में ब्लीडिंग होती है, कानों में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा आपको फील होगा। आपको यह टेबलेट बिल्कुल उसी टाइम बंद करनी है और डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाना है। अगर आप ये लॉन्ग टर्म तक टेबलेट लेते हो तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर दिखेगा, तो आप किसी भी टैबलेट को लॉन्ग टर्म पर मत यूज़ करिएगा। अगर हम जो ये एस्पिरिन टैबलेट है इसकी बात करें, तो इसके सेम कंपोजिशन और सेम फार्मूला पर जो मार्केट में प्रेजेंट टैबलेट और हैं, तो उनको हम आपको बता दें कि उनमें से बायर एस्पिरिन एक टैबलेट है, दूसरी है इकोट्रीन वफरीन, ये टैबलेट है जो मार्केट में एस्पिरिन के सेकंड फॉर्म के रूप में आप बोल सकते हैं कि अगर आपको एस्पिरिन नहीं मिलती तो आप ये टैबलेट खरीद सकते हैं। वहीं जेनरिक टैबलेट की बात करें तो यहाँ पे मोट्रिन और एडविल ये टैबलेट है, वहीं पे टोरडोल, मेबिक, रिदेफिन और इंडोसिन ये भी टैबलेट है जो एस्पिरिन के सेम कंपोजिशन सेम फार्मूला पर बनाई गई टैबलेट है, जो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एस्पिरिन का जो मेन कंपोजिशन होता है एसिटाइल सेल्सिलिक एसिड, जो कंपोजिशन है यहाँ पे सेल्सिलिक एसिड थ्रू एसिटाइलेशन विद एसिटेट एनहाइड्रेट के द्वारा ही फंक्शन करता है। अगर हम टेबलेट की डोज की बात करें तो 81 mg, 325 mg, 500 mg इन टैबलेट का फॉर्म है जो मार्केट में प्रेजेंट होता है। अगर हम एडल्ट पर्सन की बात करें तो आपकी जो डोज है डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो या चाइल्ड हो, उसके बाद आपकी कंडीशन क्या है, जो आपको डिजीज़ हुई है, अगर आप ये टैबलेट खाना चाहते हो तो किन किन कंडीशन आप ये टैबलेट कितनी कितनी मात्रा में खा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज दे सकता हूँ, और आप टैबलेट खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें या फिर किसी फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लें। इसमें एडल्ट का जो डोज है तो 162.5 mg, ठीक है, ये एडल्ट का डोज होता है, आप इतना दे सकते हो।
ये पेन एंड फीवर में आप इसे दे सकते हो 325 mg से लेकर 650 mg तक की टेबलेट 4 से 6 घंटे के बीच में दे सकते हो। आप अधिक से अधिक 300 mg की टेबलेट एक दिन में खिला सकते हैं। प्रत्येक टेबलेट खाने के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय जरूर होना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें 10 से 15 mg की टेबलेट आप दे सकते हैं 4-4 घंटे में। आप उन्हें अधिक से अधिक 3000 mg तक की टेबलेट खिला सकते हैं, 3000 mg डोज तक खिला सकते हैं एक दिन में। जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें 325 से लेकर 650 mg तक की टेबलेट आप दे सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जो 12 साल से ऊपर है। तो आपको टेबलेट खिलाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अगर हम बात करते हैं किसे यह नहीं लेना चाहिए, जिसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया आपने पढ़ा होगा इससे क्या होता है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन जिसे हीमोफीलिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, स्टमक और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, प्रेगनेंसी के टाइम अस्थमा, अल्सर जैसे किडनी की डिसऑर्डर है, उसे एस्पिरिन टेबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप ये टेबलेट लेते हो तो आपको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस टेबलेट को देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो भी बताया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।